ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 नवंबर रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज किसी कार्य को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। यदि आप किसी तरह की कार्य योजनाओं को विस्तार करने की कोशिश करते हैं या किसी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों साथ ही साथ भूमि भवन वाहन आदि के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ जिस समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे आज उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिर्फ अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने की आपको आवश्यकता है। नौकरी के लिए दी गई प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा। साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी आज आपको आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला। दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्णय लें। दोस्तों साथ ही साथ आपका स्वाभिमान किसी भी परिस्थिति में हिम्मत व साहस नहीं छोड़ने देता, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। संतान की शिक्षा से संबंधित कोई आज महत्वपूर्ण कार्य होगा, इच्छित शिक्षा संस्थान में दाखिला मिलेगा। अनुभवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हासिल होंगे और आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक कारण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे। आपको हर काम बड़ी संजीदगी और गंभीरता से करना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर भी आज टेंशन रहेगी। विद्यार्थी हास परिहास व मनोरंजन आदि के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझौता ना करें। पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फायदेमंद रहेगा। राजकीय मामलों के कार्यों में बहुत ही आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोई नया निवेश करने से पहले आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस समय आर्थिक स्थिति कुछ मंद रह सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अजनबी व अपरिचित लोगों से व्यवहार में लेन देन में सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। खर्चों पर भी आप नियंत्रण रखें, इससे आपकी आर्थिक व्यवस्था में काफी हद तक सुधार आएगा। साथ ही साथ घर के लोगों के बीच किसी हल्की फुल्की नोकझोंक व मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार आपको विचलित कर सकता है, इसलिए आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना अति आवश्यक है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है।
दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है। जीवन साथी व परिवार जनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा। जीवन साथी आपकी परिस्थितियों में पूरी तरह से सहयोग देगा। साथ ही माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वह इसने आपके आत्मविश्वास को बना कर रखेगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार में आज शांति का वातावरण रहेगा। संतान की सोहबत व अध्ययन से संबंधित जानकारी अवश्य लेते रहें। किसी पुराने मित्र के मिलने से हार्दिक खुशियां आपको आज प्राप्त होंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रतिस्पर्धाओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे। नए कार्य शुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी काम की अधिकता रहेगी और दिन भागदौड़ में व्यतीत होगा। दोस्तों साथ ही साथ आप पिछले कुछ समय से अपने व्यापार में जी तोड़ मेहनत व परिश्रम कर रहे थे, काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंधित नई योजनाएं भी बनेंगी जो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक साबित होंगी। व्यवसाय में नए नए प्रयोगों पर अमल करना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान स्थिति के कारण कार्यों की नीति में परिवर्तन जरूरी है। अगर आप शेयर्स, भूमि आदि में निवेश करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके काफी अनुकूल है जो कि आगे चलकर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आप अपने सेहत की क्षमताओं को बनाए रखते हुए अपने सभी कामों को पूरी शारीरिक क्षमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे। जय दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आप अपने आप को तनाव मुक्त और काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गाय को रोटी पर देसी घी लगाकर गुड़ के साथ भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए अवश्य दें। या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान सूर्य देव बहुत जल्द प्रसन्न होंगे, आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके सभी कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।